हरे कृष्णा, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का मेरा वीडियो है निर्जला एकादशी कब है और निर्जला एकादशी पर बिन जल के उपवास का क्या महत्व होता है। कहते हैं कि निर्जला एकादशी पर बिना जल के उपवास रहना चाहिए, तो आज देखते हैं कि इसका महत्व क्या होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रतिवर्ष ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। यह व्रत 10 जून 2022 को रखा जाएगा। पद्म पुराण के में निर्जला एकादशी व्रत द्वारा मनोरथ सिद्ध होने की बात कही गई है। इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करने से सभी एकादशियों के व्रत का फल मिलता है। अब जानते हैं कि बिना जल के उपवास का क्या महत्व है। तो इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी के अलावा भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। भीमसेनी एकादशी और कुछ अंचलों में पड़ाव एकादशी पड़ा। कुछ ग्रंथों में मांग शुक्ल एकादशी व कार्तिक शुक्ल एकादशी को भी भीमसेनी एकादशी का नाम दिया जाता है, परंतु ज़्यादातर विद्वान निर्जला एकादशी को ही भीमसेनी एकादशी के रूप में स्वीकार करते हैं। उपवास का महत्व। निर्जला का अर्थ ही होता है बगैर जल के। निर्जला एकादशी व्रत पंच तत्व के एक प्रमुख तत्व जल की महत्ता को निर्धारित करता है। इस व्रत में जल कलश का विधिवत पूजन किया जाता है। निर्जला व्रत में व्रती जल के बिना समय बिताता है। जल उपलब्ध होते हुए भी उसे ग्रहण न करने का संकल्प लेने और समयावधि के पश्चात जल ग्रहण करने से जल की उपयोगिता पता चलती है। व्रत करने वाला जल तत्व की महत्ता समझने लगता है। निर्जला एकादशी व्रत पौराणिक योगीन ऋषि मुनियों द्वारा पंच तत्व के एक प्रमुख तत्व जल की महत्ता को निर्धारित करता है। पंच तत्वों की साधना को योग दर्शन में गंभीरता से बताया गया है। अतः साधक जल पंचों जब पांचों तत्वों को अपने अनुकूल कर लेता है तो उसे ना तो शारीरिक कष्ट होते हैं और ना ही मानसिक कष्ट। अब देखते हैं क्यों रखा जाता है यह व्रत। शास्त्रों के उल्लेखों के अनुसार मानता है कि पांडव पुत्र भीम के अनुसार कोई भी व्रत करना कठिन था, क्योंकि उनकी उदराग्नि कुछ ज़्यादा प्रज्वलित थी और भूखे रहना उनके लिए संभव ना था। मन में वे भी एकादशी व्रत रखना चाहते थे। इस संबंध में भीम ने वेद व्यास व भीष्म पितामह से मार्गदर्शन लिया। दोनों ने ही भीम को आश्वस्त किया कि यदि वे वर्ष में सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत ही कर लेते हैं तो उन्हें सभी 24 एकादशियों का फल मिलेगा। इसके पश्चात भीम ने सदैव निर्जला एकादशी का व्रत किया। पद्म पुराण में निर्जला एकादशी व्रत द्वारा मनोरथ सिद्ध होने की बात की गई है। अब कैसे करते हैं निर्जला व्रत। निर्जला का अर्थ निराहार और निर्जल रहकर व्रत करना है। इस दिन व्रती को अन्य तो क्या जल ग्रहण करना भी वर्जित है, यानी वह व्रत निर्जला और निराहार ही होता है। शास्त्रों में यह भी उल्लेख है कि संध्या उपासना के लिए आचमन में जो जल लिया जाता है उसे ग्रहण करने की अनुमति है। अतः पवित्रीकरण हेतु आचमन किए गए जल के अतिरिक्त अगले दिन सूर्योदय तक जल के बिंदु तक ग्रहण ना करें। तत्पश्चात अगले दिन द्वादशी तिथि में स्नान के उपरांत पुनः विष्णु पूजन कर किसी विप्र को स्वर्ण व जल से भरा कलश व यथोचित दक्षिणा भेंट करने के उपरांत ही अन्य जल ग्रहण करना चाहिए। यह व्रत का पारण करें। यह व्रत मोक्षदायी व समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही नहीं अभी तो दूसरे दिन द्वादशी प्रारंभ होने के बाद भी व्रत का पारायण किया जाता है। अतः पूरे एक दिन एक रात तक बिना पानी के रहना ही इस व्रत की खासियत और वह भी इतनी भीषण गर्मी में। विष्णु पूजा। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। निर्जला एकादशी को जब जल एवं गौ दान करना सौभाग्य की बात मानते हैं, इसीलिए आज भी जो लोग गौ दान नहीं कर पाते वे इस समय जल पान जरूर कराते हैं। ज्येष्ठ माह वैसे भी तपता है तो भी जगह प्याऊ
लगान और लोगों को पानी पिलाना पुण्य का कार्य है। इस दिन जल से वास करने वाले भगवान भीम नारायण विष्णु की पूजा के उपरांत दान पुण्य के कार्य कर समाज सेवा की जाती है। इसके अलावा लोग ग्रीष्म ऋतु में पैदा होने वाले फल सब्जियां पानी की सुराही हाथ का पंखा आदि का दान करते हैं। इस दिन प्रातः काल उठकर स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें, पूजा घर में धूप दीप जलाएं, इसके बाद भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें और उन्हें पुष्प एवं तुलसी के पत्ते अर्पित करने के बाद व्रत का संकल्प लें। संकल्प के बाद उन्हें उनकी और माता लक्ष्मी की आरती करके उन्हें भोग लगाएं। पूजा एवं आरती के बाद जब तक व्रत चलता है तब तक भगवान विष्णु का भजन और ध्यान करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्य वस्त्र जल जूता छाता फल आदि का दान करें। यह नहीं कर सकते तो कम से कम इस दिन कलश में जल भरकर उसे सफ़ेद वस्त्र में ढककर चीनी और दक्षिणा के साथ किसी ब्राह्मण को दान जरूर करें, जिससे साल भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। सो फ्रेंड्स, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत